भगवान दास जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने देश के लिए एक अच्छा काम किया, जिनका आज उनको पुरस्कार देकर सम्मानित किया जा रहा है। तो आप सभी को इसमें शामिल होने के लिए बहुत बहुत बधाई। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो बॉर्डर के गांव हैं वो आखिरी गांव नहीं है, वो देश के पहले गांव हैं। तो ये एक नई सोच अभी आई है और बॉर्डर एरिया को डेवलप करने के लिए भारत सरकार ने बहुत सारी नई स्कीमें चलाई हैं, जो कि आगे आने वाले 3-4-5 साल में उसका आपको ग्राउंड के ऊपर असर नज़र आएगा। BSF का साथ हमेशा बॉर्डर की जो पॉपुलेशन है या जनता है उसके साथ बना रहता है, क्योंकि BSF की सिखलाई में है कि बॉर्डर 3 चीज़ों से बनता है। एक, वो सीमा रेखा जो पिलर के द्वारा निर्धारित करके 2 देशों के बीच में खींची हुई है। दूसरा, उसकी सुरक्षा में लगी हुई तैनात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF या और भी कोई हमारी जो एजेंसीज हैं बॉर्डर एरिया में काम करती हैं, पुलिस है या कोई और एजेंसीज हैं। और तीसरा, उसमें शामिल होती है जो बॉर्डर की पॉपुलेशन या बॉर्डर के जो लोग रहते हैं वो, ये 3 लोग मिला के बॉर्डर बनाते हैं। तो जितनी महत्वपूर्ण हमारे लिए जो हमारी सीमा रेखा है, जितनी हमारे लिए महत्वपूर्ण उसको सुरक्षा करने के लिए BSF या दूसरी एजेंसीज हैं, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो हमारे बॉर्डर के ऊपर जो लोग रहते हैं वो हैं, क्योंकि उन्हीं की सुरक्षा के लिए यहाँ पे फोर्स लगी हुई है। अगर देश में लोग नहीं हो तो किसकी सुरक्षा करनी है? कुछ आपके पॉइंट्स बताए गए थे जो माइक से, तो मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हमारा जो काम है वो आप लोगों के लिए ही है और आप लोगों की सुरक्षा के लिए ही है और आपकी सुविधा के लिए ही है। कुछ नियम कायदे कानून होते हैं जो हमें ऑब्जर्व करने पड़ते हैं, क्योंकि BSF सिर्फ यहीं डिप्लॉयड नहीं है, BSF पंजाब में भी है, राजस्थान में भी है, गुजरात में भी है, बंगाल में भी है, आसाम में है, मेघालय में भी है, त्रिपुरा में भी है, मिजोरम में भी है, सब बॉर्डर पे है और सब बॉर्डर पे फेंस लगी हुई है। और फेंस के आगे जाने का और पीछे आने का एक तरीका होता है, उसके लिए कुछ नियम बने हुए हैं, उसका पालन हमें भी करना होता है, वो आपको भी करना होता है, क्योंकि बिना नियम कायदे कानून के तो कोई काम हमारा चलता नहीं है। दूसरा ये है कि मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग आगे जो ज़मीन है फेंस के उसमें खेती करें, BSF आपको पूरा सहयोग देगी। और लेकिन कुछ नियम कायदे कानून होते हैं फेंस के आगे जाने के पीछे आने के, उसका पालन सबको करने की ज़रूरत है। वो पंजाब में भी हो रहा है, राजस्थान में भी हो रहा है, गुजरात में भी हो रहा है, सब जगह हो रहा है। वो एक ही नियम है सबके लिए, किसी के लिए कोई अलग नियम नहीं है। तो उसके लिए यहाँ पर, क्योंकि जो आगे खेती है फेंस के उसमें ज़्यादा इरीगेशन नहीं होता है, मतलब सिंचाई का काम ज़्यादा नहीं होता था, इसलिए बहुत ज़्यादा आपको आने जाने की भी ज़रूरत नहीं है। फसल की बिजाई के समय आप जाएंगे, थोड़ी बहुत देखभाल के लिए जाएंगे और फिर कटाई के लिए जाएंगे, तो उसके लिए आपको पूरी सुविधा दी जाएगी, BSF आपकी सुरक्षा भी करेगी। और अगर आप सोचते हैं कि आगे लगाएंगे, हो सकता है कि हालात ख़राब हों कि फसल फिर काट पाएँ नहीं काट पाएँ, तो उसके लिए हम यकीन दिलाते हैं ऐसी सिचुएशन हम नहीं आने देंगे। अगर हमारी फसल नहीं कटेगी तो हम सामने वाले के भी नहीं कटने देंगे। तो निश्चिंत होकर काम करें, BSF आपके लिए पूरा सहयोग करने के लिए तैयार है, जहाँ तक आपने बताया बंद बनने के लिए। और उसके लिए जो प्रपोजल है ऑलरेडी गृह मंत्रालय ने उसको अप्रूव कर दिया है, उसके लिए जैसे जैसे फंड्स आते हैं उसी प्रकार से वो आपके बनता जाएगा। तो मेरी उम्मीद है कि अगले 4-5 साल में हमारा पूरा बॉर्डर ऐसा होगा जिसके ऊपर बंद बना हुआ होगा और उसके पीछे आराम से आप अपने खेतों में काम कर पाएंगे। अगर कोई फायरिंग वगैरह होती भी है तो किसान जो खेत में काम कर रहे हैं उनके ऊपर सीधा असर उसका नहीं पड़ेगा और अपना छुपाव या आड़ लेने का मौका आराम से मिलेगा। और आपके खेतों के आसपास भी कुछ ऐसे हम सोच रहे हैं कि कुछ ऐसे बंकर बनाए जाएं कि अगर दिन में कुछ गड़बड़ हो तो इंसान उसके अंदर जो है शेल्टर ले ले और रात को हम पीछे उसमें ड्यूटी कर लें, तो दोनों का मिला जुला काम ऐसा हो सकता है। और इसके अलावा आपके सहयोग की हमें कुछ चीज़ों में और थोड़ी सी अधिक आवश्यकता है। जैसे बॉर्डर के ऊपर कोई काम चलता है तो उसमें कुछ लोग होते हैं जो उसमें थोड़ा रुकावट पैदा करते हैं,
वो जो भी काम हो रहा है, वो अगर कोई सड़क बनती है वो आपके भी काम आएगी, हमारे भी काम आएगी, दोनों के लिए फायदा है उसमें। बंद बनेगा तो आपकी भी सुरक्षा है, देश की भी सुरक्षा है, तो सबका फायदा है उसमें। तो ऐसे चीज़ों में थोड़ा काफ़ी सहयोग होता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे बीच में कुछ केसेस आते हैं जहाँ सहयोग मिलने में कभी थोड़ी दिक्कत होती है। इंटेलिजेंस में और बॉर्डर सिक्योरिटी में लोगों की अहमियत को पहचानते हुए जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने पुलिस हेडक्वार्टर्स की तरफ से एक रिवॉर्ड पॉलिसी का पॉलिसी अनाउंस की गई थी, जिसमें 5 लाख रुपए की धनराशि उन लोगों को मिलेगी जो हमें किसी ऐसी टनल के बारे में इतला देंगे जो दुश्मन देश से हमारे देश की तरफ खुलती हो और जो टेररिस्ट या ड्रग्स इस तरह की ट्रांसपोर्टेशन में मदद करती हो दुश्मन देश को। और कोई ऐसा इंसान जो हमें मदद जो इंफॉर्मेशन देता है ड्रोन के रिलेटेड एक्टिविटीज़ के, ऐसा ड्रोन जो ड्रग्स और आर्म सप्लाई में मुलविस है, इस तरह की कोई इतला देने पे 3 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी। उसी की एक कड़ी में चमलियाल विलेज में आज एक बहुत अच्छा एक सेरेमनी यहाँ पर हुआ, रिवार्ड सेरेमनी, जिसमें IGBSF खुद आए थे, ADGP जम्मू जोन अनंत जैन साहब की तरफ से एक हस्ताक्षरित 3 लाख रुपए का चेक मिस्टर भगवान दास जी को दिया गया, जिन्होंने कुछ दिन पहले हमें एक ड्रोन के बारे में इतला दी थी। बॉर्डर के लोग नेशनलिस्ट लोग हैं, हम लोग खुशकिस्मत हैं कि हमें इस तरह के यहाँ पर सपोर्ट बेस मिला हुआ है। ये लोग पहले भी हमें इतला देते थे, सिर्फ एक इनके बीच में जो इनहिबिशन थी कि उससे पुलिस हमें किस नज़र से देखेगा अगर हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अब उनको ये क्लियर करने के लिए कि आप लोगों को हम ग्लोरीफाई करेंगे, आपको सर्टिफाई करेंगे, वी विल सेलिब्रेट दोज पीपल जो हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं दुश्मन देश की इस तरह की किसी भी कार्रवाई की। मैं 17 जनवरी को आया, खेत में आए थे स्प्रे स्प्रू करने के लिए, जहाँ स्प्रे कर रहा था तो 2-4 खेत किए, उसके बाद में देखा भी खेत में जैसे आया तो देखा आगे ड्रोन पड़ा है, मैं वहाँ रुका उसको देखा, मैं पता नहीं इसके पास क्या है क्या नहीं, लेकिन मैंने नज़दीक नहीं गया उसके, उसकी शक्ल देखी है। फिर BSF उनको मैंने मैसेज दिया भाई इधर ड्रोन पड़ा है इसको उठा लो आकर। BSF उन्होंने शाम तक फ़ोन किया होगा, जो भी है अपने अफसर वगैरह आए उन्होंने देखा, उन्होंने जब गए उसको फोटो फाटो जो भी कैमरा लिया फिर उठाया तो कैंप में ले आए। उसके बाद DIG साहब BSF ने मुझे अपने फंड से 50,000 का नाम दिया, तो आज आपके सामने है जो 3 लाख का DIG साहब ने जो चेक दिया, तो उसकी बात खुशी है। लेकिन मैं चाहता हूँ बॉर्डर में कोई भी ऐसी हरकत हो या कोई भी ऐसे काम कर चलते हैं, जिमीदार तो 24 घंटे खेत में घूमता फिरता रहता है, अगर कोई ऐसा मैसेज मिले या कोई चीज़ मिले तो उसे हाथ लगाने नहीं लगाना चाहिए, उसको पहले BSF को मैसेज देना चाहिए भाई पढ़ा इसमें पता नहीं क्या है क्या नहीं इसलिए। लेकिन जिम्मेदार डरता है, मैं भी डरा था क्योंकि पता नहीं क्या भाई तुम्हारा वो नंदपुर से आए हो इधर, जिम्मेदार धक वाले बहुत हैं, किसी में खेत में नहीं गिरा आपके खेत में गिरा, पता नहीं किसी ने कुछ उतार नहीं लिया हो या कुछ भी हो सकता है, डर तो होता है लेकिन बताना भी ज़रूरी है। आज बताया तो अच्छे हो गया, अगर नहीं बताता तो कोई और उठा कर ले जाता। हाँ दुश्मन देश है वो हरकत करता रहता है, छोटी मोटी गतिविधि तो उनका काम है वो तो करते रहेंगे, लेकिन चलो हमारा ये यही काम है भाई, जो जिम्मेदार आदमी है जो भी कोई अपनी पब्लिक इधर रहती है इनको दुर्वा ख्याल रखना चाहिए और भी सबको मैसेज देना चाहिए।